Subscribe and click the bell icon for television updates. Welcome to Telebytes. कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बस कंजूस सेठ तनख्वाह नहीं दे रही है इसलिए थोड़ा सा परेशान चल लिया हूँ। आपका शो तो काफ़ी हिट है, भाभी जी घर पर हैं और अभी आपने एक ट्रेलर देखा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ट्रेलर के बारे में? देखिए, ट्रेलर बहुत अच्छा था, फिल्म प्यार में थोड़ा ट्विस्ट, मुझे लगता है इंशाल्लाह 18 को रिलीज़ हो रही है। हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, बड़े भाई हैं मुकेश जी, उन्होंने उसमें लीड भी किया है, तो मेरे दिल से दुआएं हैं कि ये फिल्म 18 तारीख को रिलीज़ हो, बॉक्स ऑफिस पर लोग पसंद करें, रायता फैला दें, गुर्दे छील जाएँ, ऐसी फिल्म साबित हो। सर, एक बहुत ही बुरी ट्रेजेडी अभी हुई है, लता मंगेशकर जी जो जिनका भी निधन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम सभी बहुत दुखदाई हैं और उनके बारे में हम क्या बोलें, ऐसा लगेगा जैसे मतलब कोई इंसान क्या बताएगा कि समुद्र की गहराई कितनी है, कौन इंसान कैसे बता सकता है कि सूरज में कितनी रोशनी है। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम लता दी के लिए कुछ बोल पाएँ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो है कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, जो भी ज़मीन पे आता है एक ना एक दिन उसे जाना होता है, लेकिन लता जी के गाए हुए गाने हमारे साथ हमेशा रहेंगे और मुझे लगता है ता कयामत तक लता जी का नाम रहेगा उनके गानों के ज़रिए। सर, भाभी जी घर पर हैं शो में, काफ़ी अच्छा रिस्पांस फैंस को मिल रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई, हमारे पास अल्फाज नहीं है, मैं तो उस रब का, उस ईश्वर का, उस खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि 150 करोड़ की आबादी में भाभी जी के लोग पसंद कर रहे हैं, घर घर जहाँ भी जाते हैं भाभी जी घर पर हैं का जिक्र होता है, लोग इवेंट्स में बुलाते हैं, फिल्मों के भी काफ़ी ऑफर हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मेरी दिल से दुआएं हैं उन सभी चाहने वालों के लिए जो भाभी जी घर पसंद करते हैं और टिल्लो के किरदार को पसंद करते हैं, जब टिल्लो जायका और मिर्च मसाला लगाकर पेश करता है अपने डायलॉग। अच्छा, टिल्लू जैसे आपका नाम पड़ गया है तो आजकल लोग उसी नाम से आपको जान रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कभी घर पे भी ऐसे ही लोग आपको कुछ बुला देते हैं, आपके मम्मी पापा स्पेशल? अरे बस ऐसा कुछ नहीं है, यार दोस्त चलता रहता है, मस्ती चलती रहती है, और देखिए ये बहुत बड़ा इनाम होता है कि कोई करेक्टर आप इस तरह से निभाते हैं कि लोग आपका असली नाम भूल जाते हैं और उस किरदार से आपको याद रखते हैं, तो मेरी खुशनसीबी है कि लोग इतना टिल्लू को पसंद कर रहे हैं और अभी अटल अवार्ड भी मिला, नेशनल लेवल का होता है, ये विज्ञान भवन में हुआ था, तो इससे पता चलता है कि लोग टिल्लू को कितना पसंद कर रहे हैं। टिल्लू घर घर है और टिल्लू जानती हैं पानी खींचने के काम भी आता है, तो इधर टिल्लू जो है तनख्वाह खींचने के काम आता है, उधर पानी खींचने के काम आता है। अच्छा, वैलेंटाइन डे आ रहा है, क्या कुछ खास प्लानिंग की है आपने वैलेंटाइन डे के लिए? वो मौका नहीं मिलेगा, छोटे भाई की 12 तारीख को शादी है अजीम और अलबीना की, उन दोनों के लिए मेरे दिल से दुआएं हैं कि मालिक वो हमेशा हंसते गाते मुस्कुराते ज़िंदगी बिताएं, तो मेरा मैं समझता हूँ 14 फ़रवरी उन दोनों के लिए खास होगा और जो मेरी बेगम हैं उनके साथ तो मेरा हर दिन वैलेंटाइन डे होता है। चलिए, जाते जाते अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? बस यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो है कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, बहुत प्यार से रहिए, मिल बांट के रहिए और ज़िंदगी आपको बहुत कम मौके देती है, उन मौक़ों का सही से इस्तेमाल कीजिए, निराश मत होइए, तनाव ग्रस्त मत होइए और कोरोना हो या कोई भी ज़िंदगी की मुश्किलात हो उसका सामना करना सीखें, क्योंकि आज नहीं तो कल इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।